नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कल प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में रामलला की होती है। आज भारी भीड़ उमड़ी है रामलला के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितने ज्यादा लोग आपको दिखाई देंगे। ये अनुमानित भीड़ से भी ज्यादा भीड़ है। पहला दिन है आम लोगों के दर्शन के लिए। ऐसे में जैसे ही एंट्री शुरू हुई है लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है। उसे काबू करने के लिए फोर्सेस भी अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि अब से एक घंटे पहले रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ नहीं थी, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा गया है और पुलिस फोर्स भेजी गई है ताकि स्थिति को काबू किया जाए। जरा किशन पीछे पहन करके दिखाइए, क्योंकि वो दिखा पाएंगे कि अभी तक यहाँ भीड़ नहीं थी, लेकिन अब लाइन आगे तक लग चुकी है। पीछे तक ही देखिए कहाँ तक लाइन पहुंच चुकी है, कितनी दूर तक ये लाइन लग चुकी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पहले दिन जैसे ही कपाट खुले हैं दर्शन किए हैं लोगों ने और शुरू। और देखिए भीड़, मुझे आला अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, देखिए वो देखिए अब अधिकारियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है ताकि भीड़ को और काबू किया जाए, क्योंकि यहाँ भीड़ स्थिति अब काबू होती दिख रही है। इसीलिए पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है ताकि ये स्थिति को काबू किया जा सके। देखिए एक चेन बना दी गई है, ये देखिए यहाँ पर चीजें अब थोड़ी ठीक होती दिख रही है। ये चेन बनाई गई है ताकि लोगों को रोका जा सके। बैरिकेडिंग के उस पर रैपिड एक्शन फोर्स है और वहां पर भी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। बच्चे बुजुर्ग सब हैं इस भीड़ में, क्योंकि देखिए इसका कारण भी है। पहला दिन था, सभी ने संघर्ष लंबा किया कि वो दर्शन कर सके और मंदिर बन सके। मंदिर बन गया, लोग चाहते हैं कि पहले दिन ही दर्शन हो जाए। न जाने कहां कहां से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, फोर्सेस बढ़ती दिख रही है मुझे। मोनिका तस्वीर दिखाइए, फोर्सेस बढ़ती हुई दिख रही है और भीड़ भी बढ़ रही है उसी साथ। बिल्कुल सपना, एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो आ चुके हैं, पुलिस पर्सनल जो है वो बढ़ा दी गई है, अब फोर्सेस जो है जगह जगह पर तैनात की जा रही है। ये देखिए ये जो रोप्स है जो अभी तक बंधे नहीं थे, अब इन रोप्स को भी बांधा जा रहा है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कोशिश की जा रही है। आप देखिए, ये देखिए वहां पर आपको पुलिस फोर्स जो है वो नजर आएगी। भीड़ को थोड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक बार मैं पीछे की सिचुएशन दिखा दूं, इससे पहले इतनी भीड़ पीछे नहीं थी। एक बार नकुल आप पीछे की जो देखिए, जो मेन एंट्री गेट आपको नजर आ रहा होगा वहां तक अब जो भीड़ है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं, दर्शन हो रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके चले जा चुके हैं। लेकिन आप देखिए अभी फिलहाल जो है सिचुएशन थोड़ी जो है बेहतर हुई है, क्योंकि अभी पुलिस के जो फोर्स के जो जवान है डिप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई। अरुण आप कहाँ पर मौजूद है? हम तो बीच में मौजूद है, वहाँ पर क्या सिचुएशन अरुण फिलहाल आपको नजर आ रही है? पहले एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए भीड़ कितनी है, बहुत सारे लोग आ गए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन सब लोग उतने सौभाग्यशाली नहीं है कि दर्शन तुरंत मिल जाए। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जिनको दर्शन मिल गया। तस्वीरें देखिए, लगातार हजारों की संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दर्शन शुरू हो गया है, लेकिन बहुत धीरे धीरे दर्शन हो पा रहा है। हमारे साथ 1008 श्री श्री माधवाचार्य जी महाराज हैं। प्रभु आपको दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, दर्शन तो हम कल भी कर लिए थे, लेकिन संतोष नहीं हुआ। फिर भी आज भगवान का दर्शन करने के लिए हमारे साधु संत समाज के सामने और साथ में लेकर के आज हमारा राम जी आ गए, हमारा जी राम जी आ गए, इसलिए सभी लोग जय घोष के साथ में आज पुनः दर्शन करने के लिए आ गए। आज दर्शन कर लिए, इसलिए सबका मन संतोष हो गया। कैसी लगी प्रभु की मूर्त? भगवान का मूर्त तो अनोखी है, जितना दर्शन करो इतना नया दर्शन हो रहे, और जो मन भर नहीं रहा फिर दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा है। तो देखिए माधवाचार्य जी कह रहे हैं मन नहीं भर रहा। हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि आप जहाँ हैं वहाँ कैसी तस्वीरें, जरा दिखाइए। रवि, अरुण, अयोध्या में आप देखिए मंदिर के आसपास हर जगह आपकी जहाँ पर भी नजर जाएगी, जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाएगी उस जगह आपको भीड़ इसी तरीके से नजर आएगी। और देखिए एक बार लॉन्ग तस्वीरें, लॉन्ग शॉट की तस्वीरें कि किस तरीके से लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, तमाम लोगों में उत्सुकता होगी कि आखिर में मंदिर में जब दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो प्रसाद किस तरीके से मिलता है। प्रसाद देखिए, ये देखिए इस तरीके का एक बॉक्स है और इसके अंदर प्रसाद है।
ये देखिए प्रसाद, चूरमे का प्रसाद है, ये देखिए खोल के दिखाइए। तो कितना मशक्कत करना पड़ा अंदर तक भगवान तक पहुंचने में? बहुत ज्यादा परेशानी तो हुआ, पर बहुत कितने बजे से आए? हम 7 बजे यहाँ पहुंच गए थे। 2 घंटा लगा? 2 घंटा पूरा ग्रुप आया है? हाँ खूब आया है, पूरा अच्छे से दर्शन हुआ है, बहुत अच्छा, गदगद हो गया देख के हमें। गदगद। ये देखिए इस तरीके का प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, लेकिन भीड़ तो हर जगह है। सपना वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल भीड़ सब जगह है। और दो तस्वीर दिखाती हूँ अपने दर्शकों को, एक वो जो चेक पोस्ट के उधर है, ऐसी भीड़ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, लोग जा रहे हैं, और चेक पोस्ट के इधर की तरफ भीड़ ही भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका कारण यही कि जैसे देखिए चेक पोस्ट में चेकिंग होगी, किसी के यहाँ अगर पॉकेट से फोन निकल आया, अब उसको कहा जाएगा अब आप यहाँ रुक जाइए, वो आगे नहीं जाएगा। अब इससे क्या होगा, वो वापस मुड़ के आता है और यहाँ भीड़ बढ़ जाती है, बस और बस यही कारण है भीड़ बढ़ने का। हालांकि हम ये भी कहेंगे ये लोगों की आस्था है, ये लोगों की हम कहें कि आस्था में डूबे हुए लोग हैं कि उनको इस भीड़ से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो चाहते हैं कि प्रभु राम के पहले दिन ही दर्शन कर लिए जाए। अभी सुबह तक तो मुझे इसी टेंट तक भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन अब तो मुझे लंबी कतार जहां अरुण खड़े हैं वहां तक नजर आ रही है। मोनिका का रुख करते हैं, मोनिका भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है, जरूरत है कि भीड़ को लोगों को भी खुद समझना होगा और लॉकर को भी बढ़ाया जाए कि ये लोग अपने फोन जमा करा पाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी दर्शन करके आए हैं। आप लोगों के दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, हमारे दर्शन हो गए। कब से इंतजार कर रहे थे आप? बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन। व्यवस्था है जो है लॉकर रूम्स की, जो व्यवस्था है थोड़ी दुरुस्त हुई है? अच्छी हुई है, अच्छी हुई है। देखिए कुछ लोगों के दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर, कुछ लोगों के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं डिप्लॉयमेंट दिखा दूं, एक बार फिर से डिप्लॉयमेंट दिखा दूं। देखिए ये आपको पुलिस पर्सनल जो है अभी भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ स्थानीय लोग भी, ताकि पैनिक सिचुएशन ना हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लोग क्योंकि घंटों से इंतजार कर रहे हैं, वो थोड़े रामधुन गाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि जो लोग हैं जो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं वो ज्यादा इरिटेट ना हो, राम नाम की धुन जो है यहाँ पर सुनती नजर आ रही है। अच्छा कुछ लोग देखिए गंगा जल हाथों में लेकर आए हैं, गंगा जल लेकर आए हैं, कुछ लोग देखिए फूलों की माला लेकर आए। अरुण देखिए सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही रही है, लेकिन पहला दिन है, भक्तों को समझाया नहीं जा सकता कि पहले दिन ना आए, लेकिन क्या लॉकर की व्यवस्था या जो व्यवस्था है दुरुस्त होनी चाहिए वो हो रही है क्या बाहर? देखिए अभी बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जो होना बाकी है। आप देखिए अभी ये मंदिर बन करके तैयार है और मंदिर के आसपास जैसे सामान की स्कैनिंग होनी है, आप देखिए तस्वीरें, ये बोर्ड लगा है सामान की